और दुनिया वाले जितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन परमात्मा भगवान अल्लाह के आगे सब कुछ फेल। बच्चों के ऊपर कहर चालू हो गया है कोरोना का। उत्तराखंड से खबर आई, आपको बता दें, विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले कोरोना काल ने डसा 60 साल के ऊपर वालों को, और उसके बाद में 60 साल से नीचे वालों को भी कोरोना ने दबोचना चालू करा। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि तीसरा राउंड जब आएगा उसमें बच्चों ये भी उसकी चपेट में आएंगे, लेकिन आपको बता दें बुरी खबर है, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने बच्चों की एहतियात चालू कर दें। हालांकि आपको हम बता दें बेहद खतरनाक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल दहल जाएगा, लेकिन सावधानी बरतना होगी आपको। विस्तार से इस खबर को बताएंगी हमारी सहयोगी मानसी अरोड़ा। मानसी बताएं विस्तार से कि क्या कंडीशन है। थैंक यू सो मच सर। अब आपको ले चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। एक महीने के अंदर उत्तराखंड के अंदर 5000 से अधिक बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसका शिकार हैं। 0 से लेकर 9 साल तक के बच्चे इसका शिकार हुए हैं। डॉक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है। डॉक्टर की माने तो यह थर्ड वेव सितंबर या अक्टूबर के महीने में आनी थी, लेकिन अभी से इसका प्रकोप उत्तराखंड में देखने को मिल गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार वक्त रहते बच्चों के लिए यह क्या कदम उठाती है, लेकिन आपको हमारी तरफ से सूचना पहले दी जा रही है ताकि आप पहले से ही बच्चों के लिए अलर्ट हो जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वेव बुजुर्गों के ऊपर थी, यानी कि 45 से 60 साल के बुजुर्गों के ऊपर इसका कहर लोगों पर बरपा था। सेकेंड वेव जो सबसे ज्यादा युवाओं को अफेक्ट कर रही थी, और जैसा कि बोला जा रहा था कि थर्ड वेव बच्चों पर इसका असर दिखाएगी और सितंबर या अक्टूबर के महीने में ज्यादा एक्टिव होगी, लेकिन तब तक सेकेंड वेव के इफेक्ट से जितने भी लोग होंगे और जो ठीक हो जाएंगे उनको वैक्सीन की डोज प्रॉपरली मिल जाएगी, जिससे थर्ड वेव के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड के अंदर वक्त से पहले ही इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना ये था कि अभी थर्ड वेव अपना असर नहीं दिखाएगी, लेकिन वक्त से पहले उत्तराखंड के अंदर एक महीने के अंदर 5000 से अधिक बच्चे इसकी चपेट में आते नजर आए हैं। हमारा पूरा देश इस समय कोरोना की सेकेंड वेव से जूझ रहा है। जहां वैक्सीन को लेकर इतनी मारामारी है, वहीं अब ये खबर हमारे लिए चौंकाने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तराखंड के अंदर 9 साल से कम उम्र के बच्चे कोरोना की चपेट में नजर आते दिख रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 10 दिनों के अंदर 1000 बच्चे कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं, जिनकी उम्र केवल 9 वर्ष तक की है। अभी 10 से 14 साल की उम्र के 4000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एडल्ट भी शामिल हैं। डॉक्टर का मानना है अगर हमने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आगे आने वाले समय में हालात बद से बदतर होते नजर आएंगे। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिस घर में ऑलरेडी इसकी चपेट में जो लोग आ चुके हैं, वहां छोटे बच्चों को कोरोना का असर जल्दी होगा। इस बात का अंदाजा 2020 और 2021 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले साल 2020 में उत्तराखंड में 264 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन 2021 के आंकड़ों में यह 3000 के पास पहुंच चुका है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक यह आंकड़ा बड़ों के आंकड़े को साथ में टक्कर देता नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, 10 से 15 साल तक के टोटल 21,587 एडल्ट्स कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं, और जबकि 60 से 69 साल के लोगों का यह आंकड़ा 22,592 तक पहुंच गया। अभी सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड सरकार के लिए ये है, लेकिन क्या हमारी सरकार, यानी कि हमारे प्रदेश की सरकार, इस संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए तैयार है? क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार अभी 2 से 3 महीने तक का वक्त लग सकता है, यानी कि हम अब सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको खुद को अपने बच्चे के लिए हर तरीके का संभावित सुरक्षा का प्रावधान करना होगा। हम आपको डराना नहीं चाहते, माँ के नजरिए से ये बहुत कठिन समय है। इस समय आप लोगों के लिए सबसे बड़ा कठिन वक्त ये है कि आप अपने घर में बुजुर्गों को देखें, साथ ही साथ बच्चों को भी सारा दिन घर में बंद करके रखना बहुत ही चुनौती भरा काम है। बच्चों का मन चंचल होता है,
ऐसे में जब हम अंदर से इतने डरे हैं तो बच्चे को डरा कर रखना गलत है, क्योंकि ये बच्चों की अंदरूनी विकास के लिए खतरनाक है। इसीलिए KGN इंडिया न्यूज आपको वार्न कर रहा है, आप अभी से सतर्क हो जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों को डरा कर रखिए, सिर्फ यही कि आप सतर्कता बरतें। बच्चों को बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कहें, और यदि आपके घर में पहले से कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो बच्चे को उससे दूरी बनाने को कहें। बच्चों की मानसिकता का ध्यान रखें। बड़े होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम कोरोना से अपना और अपने परिवार का सुरक्षा का ध्यान रखें। KGN इंडिया न्यूज की यही पुकार, स्वस्थ रहे पूरा समाज। इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।